सो गाइस अभी यहाँ पर इतनी सारी बर्फ हो रही है, मेरे दिमाग में एक प्लान आया कि अभी हम स्नोमैन बनाते हैं, एक मस्त सा। भाई यहाँ है बर्फ मस्त। चलो नहीं हाँ, रुको ना अभी, अब एक गोल गोल अलग से बनाओ ताकि मैं उसके ऊपर। अरे ये तो बकरी लग रही है, इतना जल्दी बकरी, तुम मजे ले रहे हो यहाँ पे। हमारा हेल्दी स्नोमैन है, पतला रहेगा। क्या बनाया तुमने, बनाया? अरे वाह, ये क्या बना रहे है? दांत? हाँ दांत बनते से थोड़ी स्माइल। भाई ये लग रहा है राक्षस। I was at the wrong place at the right time, 'cause suddenly there you were with those bright blue eyes. We were conversing under the night sky when you took my hand, said let's leave now. Don't wanna be shy, I will let my guard down. Don't wanna be shy. बनके तैयार हो चुका है, ये देखो, ये इसकी आंखें, ये दांत, ये नाक, सब बनाया हमने, मेड बाय प्यू जोशी ओनली। ओह भाई क्या झूठा आदमी है भाई। अरे मैंने बनाया यार। तो गाइस हमारे स्नोमैन की नाक गिर चुकी है, तो उसको लकड़ी की नाक परमानेंट दी जा रही सूंड। तो मैं आप दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं, दिखा, पकड़ इसको भाई। करना के जा रहे स्नोमैन की नाक, इतना प्यारा बनाया था, उसका नामकरण भी कर दिया था जोजो, हेलो मजाक बना कर दिया। ओ भाई, ओ भाई, आ नहीं, भाई बस बस साहिल भाई यार तुम मजे ले गए। तो भी गाइस पीयूष रूठ चुका है, उसने मेरा स्नोमैन तोड़ दिया, मैं इतनी मेहनत से बना रहा था, उसने मेरी पूरी मेहनत मतलब एक लात में खत्म कर दी। करो भैया इधर। अरे वाह सब्सक्राइबर्स, अच्छा फोटो गाड़ी में सेल्फी पहली बार, ये सही है भाई। चलो चलो जगह है ना लेफ्ट, हाँ हाँ चल 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 राइट में, वो जगह अभी तो बस अब सीधा। इसका नाम क्या है? टीमो। टीमो आज तो गाड़ी से गाड़ी में सब्सक्राइबर मिल रहे हैं। टीमो मैंने कहीं देखा है। आराम से भैया, आराम से, आराम से, बेस्ट ऑफ लक, आराम से, बेस्ट ऑफ लक। भाई खतरनाक रोड हो रखी है, पूरी फिसलन फिसलन, लेकिन अपनी गाड़ी इतनी स्मूथली निकल रही है ना, 4x4 का फायदा हो गया मस्त। यहाँ पे तो फैमिली को भी आना चाहिए था, लेकिन मम्मी आप आते ही नहीं है, उनको बर्फ पसंद ही नहीं है। सो गाइस अभी हम यहाँ से रास्ते में जा रहे थे, पता नहीं सौरभ क्या मना है यहाँ से जाने की वजह, जान वो चीज उसमें डाल दी। इधर मत आइए यार। अरे भाई भाई बैग ले। हाँ भाई क्या क्या हुआ? अरे फंस गई। क्या हुआ? आ गया बड़ा फॉर्च्यूनर वाले, आ गया स्वाद मेरा। अरे चलो अब धक्का मारा जा रहा है। तो गाइस फॉर्च्यूनर 4x4 भी फंस चुकी है, अब मुझे उतरना पड़ेगा। तो अब साहिल कह रहे हैं मैं निकालूंगा, तो साहिल चला रहा है। अब आगे मत कर, अरे आगे मत कर। गई। बस। अरे रुक जा मैं चला रहा हूँ, भाई देखो कितनी ज्यादा बर्फ है यहाँ, पूरा पैर घुस रहा है भाई। फॉर्च्यूनर के ऊपर तक यहाँ तक बर्फ आ चुकी है देखो, और मेरे पैरों में बर्फ ही बर्फ हो चुकी है। फॉर्च्यूनर के अंदर भी बर्फ आ चुकी है पूरी। फाइनली बेचारे मैट की कुर्बानी देनी पड़ी। तो फाइनली गाइस गाड़ी निकल चुकी है, इन सब लोगों ने मिलके हेल्प करी, धक्का लगाया तब जाके निकली है। थैंक यू सो मच सबका। अब यहीं गांव के ही हो? हाँ वहीं तो सर, एडवेंचर वाले हैं हम। एडवेंचर वाले हाँ। ये देखो यहाँ पर क्या हो गया, पूरी बर्फ ही बर्फ आ गई यहाँ पर, इतनी बर्फ थी। अगर ज्यादा ही बर्फ है ना फिर तो 4x4 भी नहीं निकल पाएगी, ये समझ में आ चुका है। चलो यार फिलहाल चलते हैं। तो गाइस ये देखो कितने प्यारे प्यारे स्नोमैन विद छतरी। तो अभी गाइस हम ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां पे रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है, वहां पीछे जेसीबी लगी है और वो बर्फ हटा रही है सारी, तो यहां से आगे हम नहीं जा सकते, लेकिन मजा आया, हम बिल्कुल एंड तक आए हैं जहां तक रोड आई है। तो अभी गाइस गाड़ी कर रहे हैं बैक, बिकॉज रास्ता नहीं आगे। और बैक हो जाएगी। बस और आगे ले बस आगे। Louder, 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 louder,
तो अभी गाइस ड्रोन शॉट्स ले लिए हैं, आई होप आपने एंजॉय किए होंगे। अब मैं भी जाता हूँ वहाँ पे, मैगी वगैरह खाते हैं। और यहाँ पे ना सिर्फ हमारी गाड़ी है और कोई भी गाड़ी नहीं आई हुई, क्योंकि आई नहीं सकती, हमारी 4x4 है, इसलिए हम ले आए, अदरवाइज कोई भी गाड़ी नहीं हमारे। तो अभी गाइस फोन मैंने यहाँ पे लगा दिया टाइम लैप्स के लिए, तो सामने का मस्त टाइम लैप्स बन रहा है। तो अभी गाइस मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से जेसीबी बर्फ हटाती है रोड से। तो अभी हटा रही है ना, दिखाता हूँ भाई, एक ही बार में पूरा क्लीन कर दिया पहाड़। और बर्फ वाली मैगी, ये तो बहुत कम मैगी है। तो एक और बोल दो भाई, सुबह से कुछ नहीं खाया था, अब मैगी खा के इतना मस्त लग रहा है ना। तो अभी गाइस मस्त चाय आ चुकी है और साथ में ये क्या बोलते हैं इसको, बन मक्खन, इसको बोलते हैं बन और मक्खन, और ये मजा आएगा चाय के साथ। मैगी क्यों मंगाई फिर, इतने सारे ये मंगा दिए तो मैगी क्यों मंगाई? मैंने आपको बताया था कि बन मक्खन मंगाया, आपने बोला। तो अभी गाइस खाना पीना हो चुका है, अब चलते हैं यहाँ से सीधा घर। चलो अब सीधा नॉन स्टॉप घर ही जाएंगे, कहीं नहीं रुकेंगे पक्का, चाहे कैसा व्यू दिखे, कुछ भी दिखे भाई, क्योंकि जल्दी घर पहुँचना है हमको। मेरे को तो लाइफ में इस तरह की बर्फ़ देखनी थी, इतनी ज़्यादा बिल्कुल धंसने वाली, जो कि आज देख लिया फाइनली। अब मेरा बर्फ़ का कोई ड्रीम नहीं है, अब बस बर्फ़ देख ली, बर्फ़ का हो गया मेरा। यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, जैसे कि ये घर है इनका, देखो पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ रखी है, इनको दिक्कत होती होगी बर्फ़ में। हम तो चलो घूमने आए, हम तो एक दो घंटे के लिए ऐसे ही चिल करने के लिए, लेकिन इनको तो रहना है पूरा, मतलब शूज़ सॉक्स पूरे भीग चुके हैं, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हमारे पैरों में कैसा लग रहा है, पैर ऐसे जल रहे हैं ठंड से जल। अब बस जल्दी से घर पहुंच जाओ और शूज उतारे और सॉक्स उतारे यार। अभी अभी आया जाने से पहले कुछ बर्फ हम हल्द्वानी भी ले आएंगे, तो गाड़ी के ऊपर डालते हैं कुछ। तो अभी गाइस हमने इतनी कुछ बर्फ डाल दी है ऊपर, अब चलते हैं। I was at the wrong place at the right time, 'cause suddenly there you were with those bright blue eyes. तो भी गाइस फाइनली हल्द्वानी घर पे पहुंच चुके हैं। वैसे प्लान तो था मुक्तेश्वर में रुकने का, टाइम था तो हम वापस ही आ गए, मैं कह छोड़ो यार घर में ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। और ये देखो अपने शूज सॉक्स सब उतार दिए इसने, ये ऐसे ही बैठा हुआ था भाई। हम पूरी पैकिंग करी गए थे सूटकेस वगैरह लेके, सारे कपड़े वपड़े लेके, जो कि बिल्कुल भी काम नहीं आए। तो फाइनली रूम पे पहुंच चुके हैं, और रूम पे पहुंच के जो सुकून मिलता है ना, कहीं होटल वगैरह में कहीं नहीं मिलता। तो बिल्कुल सही डिसीजन था, हम 1.5 घंटे में घर पहुंच चुके हैं, मतलब बर्फ से 1.5 घंटे में घर। तो फिलहाल डिनर करेंगे, आज आलू की सब्जी एंड रोटी बनी है मस्त। तो भी गाइस रात के 2 बज चुके हैं, व्लॉग एडिट तो हो गया है लेकिन आधा एडिट हुआ है, बिकॉज बहुत टाइम लग रहा है, बहुत सारी फाइल्स बनी थी आज, और फ़ोन कैमरा वही 360 वही ड्रोन वगैरह, तो टाइम लग जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँ, तो एक पार्ट इससे पहले आपने देखा होगा और ये पार्ट है। तो हाँ आधा मैं कल एडिट कर लूँगा, अभी मुझे नींद आ रही, काफ़ी थक गया, इतना ड्राइव किया वहाँ पर, इतना शूट किया, तो थक जाते हैं ना। अभी एडिट भी कर लिया आधा, तो ये 2 पार्ट में आ जाएगा। तो हाँ बाय द वे आज काफ़ी मजा है, काफ़ी एडवेंचर की, गाड़ी फंस गई थी और हम बिल्कुल एंड तक गए रोड, जहाँ तक हम जा सकते थे, जहाँ तक रोड खुली थी, उसके बाद तो फिर जैसी भी लगी हुई थी ताकि, लेकिन काफ़ी मजा आया। तो हाँ बस आई होप आपने भी एंजॉय किया, कोई एंजॉय किया लाइक कर देना, एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। तो अभी गाइज हमको यहाँ पर रुकना पड़ा, बिकॉज वहाँ पर एक गाड़ी फंस चुकी है जो कि आगे नहीं निकल रही है, तो ये कह रहे हैं कि अपनी गाड़ी यहाँ पर बर्फ़ में लो भाई, हमारी फंस जाएगी, हमारी अभी फंसी थी दोबारा फंस जाएगी। जल्दी 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 जल्दी। We went to a small bar with neon lights, talked about everything that was on our mind. Talking to you gave me butterflies. Then you took my hand, said let's leave now. Don't wanna be shy.